हेलो फ्रेंड्स, मामी भांजी किचन में आपका स्वागत है। आज हमारे किचन में बन रहे हैं आलू के पराठे, जो टेस्टी तो बनेंगे ही, और साथ में आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या डाली है। तो हमारी वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं हम आगे। सबसे पहले मैं लूँगी एक चौड़ा सा बर्तन और इसमें मैं डाल दूँगी ये आटा, नॉर्मल आटा है, ये 500 ग्राम आटा है। और इसमें मैं ऐड करूँगी 150 ग्राम ये बेसन। बेसन आप बारीक या मोटा जैसा भी हो आपके पास वो आप डाल सकते हैं। और इसमें डाल दूँगी मैं स्वाद के अनुसार नमक और 2 से 3 चम्मच में डालूंगी इसमें ऑयल, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बेसन ऐड करने से आप पराठे बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे। और ये मैंने मिक्स कर लिया है, और अब मैं पानी डालते हुए इसमें एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करेंगे। टाइट नहीं रखना है मुझे पराठों के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सॉफ्ट सड्डू तैयार कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा, मुझे टाइट लग रहा है, थोड़ा पानी और डालते हुए इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा डो तैयार हो चुका है। हम थोड़ा सा एक चम्मच ऑयल लगा के चिकना करके इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। मैं अपनी फिलिंग तैयार कर लेंगे पराठों के लिए। तो आलू लिए हैं मैंने फ्रेंड्स, अब मैं इनको मैश कर लूँगी। आप चाहें तो इनको ग्रेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इससे मैश कर लेंगे। तो मैंने सारे आलूओं को मैश कर लिया है, अच्छे से मैंने हाथों से भी कर दिया है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें मिलाऊंगी ये प्याज, जो मैंने बारीक बारीक कट करके रख लिया था। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, पर इसमें प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये हरी मिर्ची ऐड करूंगी, तीखा आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। और ये मैंने लिया है अदरक, इसको मैं ग्रेट कर लिया है। और ये मैंने लिया है साबुत धनिया, इनको मैंने तवा पे थोड़ा सा रोस्ट करके कुचल के डाला है, इससे इसका टेस्ट और ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये मैंने सौंफ लिए है, ये डाल दिए। और इसमें मैंने डाली है फ्रेंड्स हींग। हींग इसमें बहुत अच्छी लगती है, आप एक बार ट्राई जरूर करना। और ये मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, ये गरम मसाला मैंने डाल दिया है। ये मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ये हल्दी पाउडर है, ये नमक मैंने स्वाद के अनुसार डाल दिया है। मैं डालूंगी इसमें खूब सारा हरा धनिया, इस समय धनिया बहुत अच्छा आ रहा है फ्रेंड्स, और धनिया इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं धनिया खूब सारा डाला है। और अब मैं इसमें डालूंगी ये मैगी मसाला। फ्रेंड्स, एक बार इसको ऐड करके आप जरूर देखना, इससे हमारे पराठे बहुत टेस्टी बनेंगे। तो मैंने ये मसाला सब ऐड कर दिया है, और अब मैं इनको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो देख सकते हैं इन्हें मिक्स कर लिया है, और अब मैं इनकी एक टिक्की बना के रख लूँगी, जिस तरह से कि हम जब पराठे बनाएंगे ना तो हमें अलग से निकालना नहीं पड़ेगा, उठा के इस तरह से रखेंगे और हमारे पराठे अच्छे से भर जाएंगे। तो ऐसी मैं टिक्कियाँ बना के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने अभी 4 टिक्कियाँ बना के तैयार की हैं, और अब मैं इधर अपना आटा चेक करती हूँ। तो हमारा आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, और अब हम पराठे बनाएंगे। तो पराठे बनाने के लिए मैंने इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लिया है, आप चाहे छोटा बड़ा जैसा ले सकते हैं। वैसे आलू के पराठे फ्रेंड्स आप बड़े ही बनाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने इस तरह से इसमें सूखा आटा लगाऊंगी,
बस इसको थोड़ा थोड़ा चौड़ा करके इसमें आलू वाली टिक्की को भर दूंगी। बस इसको चारों तरफ से उठा के इसको पैक कर दूंगी। देखिए हमारा कोई आटा एक्स्ट्रा नहीं है, बस इस तरह से मैंने भर ली है। और अब इसमें सूखे आटे से डस्ट करके इसको थोड़ा सा और हाथों से चौड़ा करूंगी। इसके बाद मैं बेलन से बेलूंगी। अब मैं इनको हल्के हाथों से बेल के तैयार कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं हम बिल्कुल हल्के हाथों से बेल रहे हैं, ज्यादा टाइट नहीं बेलना है। तो देखिए हमारा पराठा बनके तैयार है। ऐसे हम और भी पराठे बना लेते हैं। यहाँ मैंने नॉर्मल तवा लिया है जिसमें हम रोजाना रोटियां बनाते हैं, इसको मैंने गैस पर रख दिया। अब इसमें मैं पराठा डाल दूंगी। बस इसको एक मिनट बाद मैंने पलट दिया है। तो देखिए सिकने लगा है। अब इसमें मैंने ऑयल लगा दिया है। आप बटर से सेंकें या कोई और भी ऑयल से सेंक सकते हैं, ये सभी आप पसंद करते हो। और इस तरह से हम इनको सेंक लेंगे, ये पलट करके भी हम इन्हें ऑयल लगाएंगे। इसको अलट पलट करके इस तरह से मैं प्रेस करके इनको अच्छे से सेंक लूंगी। और गैस को हम मीडियम ही रखेंगे, बहुत हाई नहीं रखना है मुझे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है फ्रेंड्स, पराठा हमारे बनकर तैयार हो चुका है। अब ऐसे ही हम और भी पराठे सेंक के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैं दूसरा पराठा भी सेंक लिया है, तो किस तरह से फूल रहा है पराठा। तो देखिए फ्रेंड्स पराठा हमारा बनके तैयार है और टेस्ट तो इसका लाजवाब है। फ्रेंड्स आप जरूर ट्राई करना जिस तरह से मैंने बनाया है। हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं, इसको खोलकर भी दिखाएंगे। इसकी फिलिंग पूरी चारों तरफ से अच्छे से फैल चुकी है, देख सकते हैं आप। देखिए तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।